डियर स्टूडेंट वेलकम एस बी डी एस विगुना टू डिस्कशन टॉपिक सेल सेल फर्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइबिंग प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड टॉपिक इज यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स आर द ट्रू कैरियोन। यू मीन्स द ट्रू एंड कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। टू द रियल न्यूक्लियस आर प्रेजेंट सो दैट इज द एंड न्यूक्लियस न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट नोन एज यूकैरियोट्स एंड डेवलप्ड ऑर्गन आर प्रेजेंट सपोज द ब्लास्टिड लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया गॉल्जी बॉडी डिफरेंट ऑर्गेनेल्स ब्लास्टिड्स लाइसोसोम वैक्यूम ER endoplasmic reticulum on the mitochondria mitochondria and plasmic acid Think present in ribosome in 80S type ribosome. So vacuole will present in vacuole shape. Inner membrane vacuole is called as chloroplast membrane. Outer membrane and inner membrane and middle peak of cell wall. If many eukaryotic cell to the nucleus is present to different part, different organelles, metabolic organelles are present, lysosome, plastid, ATS type ribosome, nucleus, and endoplasmic reticulum, mitochondria are present in plant cell and animal cell. So different type organelles to many function of organelles, lysosome are the digestive enzyme and plastid are the photosynthetic condition and ATS ribosome are present in protein synthesis and nucleus is divided to cell division and plasmodesmata is related to other cells to support it and to the next cell passes through. To vacuole shape in plant and present, so plant and present to the reproduction and flowering and fruit production to the vacuoles are present. To the vacuoles, the outer membrane is called as chloroplast membrane. To the endoplasmic reticulum in present, endoplasmic reticulum is two parts are divided. In first part, SER. And second part, aria, means smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum to the present in outer cell to the present in ribosome. So that is the synthesis of protein. And to the middle part, to the smooth part are called as SER, smooth endoplasmic reticulum, no present in ribosome. So the synthesis of lipids, sterol and glycogen are synthesis of the SER present. So mitochondria is the respiratory pigment, respiratory organ of the cell. Golgi body. So the Golgi body are just secrete many hormones. Enzymes, sperm are secreted to the different particles
और रिलीज है वो बॉडी 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 जो है वो हार्मोन्स का सिग्नेचर करती है, एंजाइम का सिग्नेचर करती है, सिग्नो स्पोरोसोम्स का सिग्नेचर करती है, तो डिफरेंट पार्ट सेक्रेटरी पार्ट है जो यानी बॉडी से नए पार्ट को ये सिक्रीट कर करके यानी एक सेल से दूसरे सेल में बॉडी की या लाइसोसोम की प्रोडक्शन में भूमिका अदा करती है। ठीक, उसके बाद में इसकी मिडिल जो है मिडिल पार्ट जो पार्ट है वो पार्ट पूरा पार्ट आर डिवाइडेड इन कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। इनर पार्ट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ लीवर की जैसे संरचनात्मक या क्रियात्मक जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो क्या प्रोटोप्लाज्म है। तो प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट। तो प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इन साइटोप्लाज्म मिडिल पार्ट इन डिवाइडेड टू सेल वॉल कोशिका कला एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन मिडिल पार्ट आर कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। तो कोशिका के अंदर केंद्रक कला और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मिडिल मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन के मध्य डिफरेंट रूप से पाया जाने वाला जो जीव द्रव का पार्ट है उसे साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के बाद सेकंड जो पार्ट है वो पार्ट है वैक्यूल से। अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट है प्रोटोप्लाज्म आर डिवाइडेड इन थ्री पार्ट। फर्स्ट पार्ट साइटोप्लाज्म एंड सेकंड पार्ट न्यूक्लियोप्लाज्म एंड थर्ड पार्ट वैक्यूल से। तो प्रोटोप्लाज्म को डिवाइडेड इन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म एंड वैक्यूल से। सो वैक्यूल से आर डिवाइडेड टू द डिफरेंट पार्ट टू द अपर एंड हाईएस्ट पार्ट ऑफ द वैक्यूल इन प्रेजेंट इन प्लांट। सो दिस सेल इज ए प्लांट सेल। प्लांट सेल डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इज कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल। सो यूकैरियोटिक सेल इज द कॉम्प्लेक्स सेल सो दैट इज द डिफरेंट मेटाबॉलिक ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। मेटाबॉलिक ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम गॉल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक मेटाबॉलम माइटोसोम इस स्पोरोसोम प्रेजेंट रहती है। यूकैरियोटिक सेल में अगर हम
बात करें यानी प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट रहती है। ठीक, उसके बाद में जो लोअर पार्ट है ये एक सेल से दूसरे सेल के मध्य का जो इक्विलियम एक सेल से सेकंड सेल का यूज होती है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान जो भी परासरण या ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसके माध्यम से विभिन्न पदार्थों का एक्सचेंज होता है। ठीक, उसके बाद जो वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर प्रेजेंट है वैक्यूम सैक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके टू पार्ट है ऐसे यार, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंटेड राइबोसोम, तो राइबोसोम इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड स्मूथ स्मूथ इज फ्लैट सेल्स, फ्लैट पार्ट फ्लैट पार्ट है वो स्मूथ है जिस सतह पर राइबोसोम आर एब्सेंट रहते हैं। तो दैट इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन लिपिड एस्टेरॉल में भूमिका होती है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को रेस्पिरेटरी सेल्स कहते हैं। तो एटीपी की फॉर्मेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है और गॉल्जी बॉडी विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स के सिक्रीशंस में हार्मोन्स के सिक्रीशंस में लिपिड्स के सिक्रीशंस में तो विभिन्न प्रकार के इनके सभी है या सिक्रेटरी प्रोडक्ट है वो गॉल्जी बॉडीज प्रोवाइड कराती है। तो इस प्रकार से पूरी यूकैरियोटिक सेल है। तो फर्स्ट टॉपिक में आपने यूकैरियोटिक सेल्स को स्टडी कर लिया। सो वेलकम, थैंक यू।